आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। नमस्कार, आपका दोस्त गुरतेज। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं, वो बातें जो कभी कविता का रूप नहीं ले सकी, वो बातें जो कभी किसी कहानी का रूप नहीं ले सकी, वो बातें जो यूं ही कभी किसी सफर में जहन में आई और जहन की होकर रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं कुछ बातों के मुड़े पन्ने, यादों के नीले कैनवस पर काले रंग का ब्रश किसी ने कल रात को चला दिया था। अभी तक बादलों के रूप में उसके निशान बाकी हैं। सूर्य भी आज बाहर निकलने के मूड में नहीं है। सब कुछ गीला गीला सा है, मानो सारी रात किसी रुदाली ने उस कैनवस में रंगों को सजाने की कोशिश की। खेतों में खड़ी छोटी छोटी फसलों का शोर इस तरह लग रहा है मानो कोई नवजात शिशु सुबह सुबह बीच बीच में रोता है। ओस की बूंदे जैसे पीयूष को पीकर आई हूं। दूर किसी किसी घर के बाहर रात से जल रही लाइट दिखाई पड़ जाती है। वो देखो, सुबह की छोटी सी किरण अभी तक उस कैनवस के सीने पर आकर इस तरह कहीं गायब हो जाती है जैसे छोटा सा हिरन खेलता खेलता कहीं जंगल में गायब हो जाता। तभी आसमान में गरजती और चमकती हुई बिजली इस कल्पना की दुनिया से यथार्थ में ले जाती कि मैं अपने मंच पे नहीं बल्कि बस में हूं और खिड़की से बाहर किसी औरत से भी सुंदर उस कुदरत को सुबह के दूसरे पहर में देख रहा हूं। सच में बारिश के मौसम में सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे कोई श्याम वर्ण की स्त्री नहाकर आई हो। रात भर पूर्णिमा का चांद बादलों की आगोश ढूंढता रहा, कभी वो उनमें छुप जाता तो कभी आसमान के सीने पर अपनी रिश्मों से चित्र अंकित करने लगता। दूर दूर तक सितारे कहीं भी दिखाई ना पड़े, लेकिन फिर भी ना जाने सारी रात किसकी तलाश चलती रही। वैसे समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है ना, दिन रात इंसान हमारी शक्लें हमारे रिश। जरूरी नहीं कि रिश्तों के दो छोर हों, कभी कभी हम किसी से एक तरफा रिश्ता भी बना लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक हम अपने भावों को परिभाषित करने के लिए शब्दों का सहारा लेते आए। कहते हैं कि जिन शब्दों का उच्चारण एक बार हो गया हो वो चिरंकाल तक अमर है। हर वस्तु की परिभाषा के लिए हमने शब्द बनाए और फिर उनको एक परिभाषा दे दी, किंतु ये परिभाषा सबके लिए एक समान नहीं होती। हर कोई अपने हिसाब से उनको बदल लेता है, जैसा रूप वो उसमें देखता है। किंतु जिसने अनंत को जन्म दिया, जिस पर आकर सब शून्य हो जाता है, जो इस धरा के कण कण में विराजमान है, जिसकी होंद हमारे लिए है और उसकी कल्पना के बिना हम स्वयं की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो
जो सिर्फ एक शब्द में बंधा है और उस एक शब्द के अनंत रूप है, जिसको हम शायद कभी परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी कुछ बातें। आशा करता हूं कि आपको मेरी इन बातों की कुछ समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो इन बातों को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, देर से ही सही पर आएगी जरूर। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी कविता, कहानी या ऐसी ही कुछ बातों के साथ। आपका दोस्त गुरतेज।